में अब बच्चा पंखे के अलावा बहुत सारे साधन जिसे आत्महत्या करनी है और चंबल रिवर फ्रंट में जाके आत्महत्या कर सकता है, रेलवे के आगे जाके आत्महत्या कर सकता है, मार्केट में जहर मिलता है, जहर खा के आत्महत्या। मुख्य रूप से तीन मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं जंतर मंतर? देखिए, पहली मांग जो है वो टीचर सेफ्टी रेगुलेशन के लिए है। दूसरी मांग है कोचिंग सेंटरों के लिए जिसमें डमी बच्चे हो रहे हैं, जा रहे हैं। और तीसरी मांग है CBSE की अनियंत्रित इररेलीवेंट नोटिस। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें देखिए मुद्दों को लेकर के मैं काले कोई आदमी के साथ खाली आदमी का नाम नहीं है, व्यवस्था का भी नाम है। मैं काले ने क्या किया था, मैं काले ने शिक्षा में अलग अलग सिस्टमेटिकल ढंग से एक सक्सेसफुल मॉडल को डिसिस्टमाइज कर दिया था और यही सरकारें कर रही हैं। और हम बोल रहे हैं मैकाले खराब है, ये मैकाले के मानस पुत्र हैं। और हम बातें कर रहे हैं कि मैकाले गलत था। सर, छाती पीटना बंद करिए, भारत की शिक्षा को भारतीयता का रूप होने दीजिए। शिक्षा भारतीयता नहीं हो रही, अब मैकाले की छाती पीट रहे हैं। दोस्तों, टीचर सेफ्टी एक्ट, अगर कोई टीचर अगर सेफ्टी फील नहीं करेगा, अगर अपने को सुरक्षित फील नहीं करेगा, यकीन मानिए ऐसा इंजीनियर डरेगा। यही नेता लोग जब अगर अपनी वर्किंग डोर के दौरान अगर सेफ्टी ना मिले तो वो कहते हैं हमें डर लगता है। मैं तो देश की फ्यूचर बना रहा हूँ, मैं कंट्री की डेस्टिनी लिख रहा हूँ। मुझे तो एक नेता से ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। मैं नहीं मांग रहा, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि कृपया, मैं गलती नहीं करता, अगर जाने अनजाने में भी गलती हो तो कारण जानिए, प्रभाव नहीं। मेरे भाव को समझिए, मेरी से कोई गलती हो गई हो मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि हम सब लोगों में बहुत से लोग उतने प्रशिक्षित नहीं है, उतने भाव से नहीं है। तो ये है टीचर सेफ्टी एक्ट। और जहाँ रही कोचिंग सेंटरों की, आज बच्चे थक गए हैं इस शिक्षा से, बच्चे थक गए हैं दोस्तों, वो नहीं जाना चाहते स्कूल। आप हजारों बच्चे को कोचिंग में पढ़ाते हैं, 4,000 बच्चे सक्सेस होते हैं, तो जो जिन 90% बच्चों का जो मनोभाव टूटता है, उनके सवालों का, उनकी कीमत का जवाब कौन देगा? दोस्तों, ऐसे सपने मत दिखाओ कि कल ये बच्चे टूटे हुए दिल के साथ में अपनी जिंदगी को निभाएं। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन डरना मत, शरीर मरेगा आत्मा नहीं मरेगी। शायद भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग नहीं देखा था, नहीं तो वो कहते कि डरना अर्जुन, आत्मा मर जाती है, शरीर नहीं मर रहा है। अब वो दौर इस तरह का आ गया है, ये 90% बच्चे मरी हुई आत्मा के साथ, शरीर के साथ चल रहे हैं। और तीसरा है CBSE। दोस्तों, निर्देश देना, आदेश देना किसी भी जीवन का सबसे आसान काम है। बात तो जब बने, जब आप आदेश और निर्देश की जगह खुद कुछ करके दिखाएं और कहें देखो मैंने किया है, इसको फॉलो करके आप करो। दुनिया में कोई भी आदमी किसी गलती से नहीं सीखता, अगर गलतियों से सीखते तो गलतियां खत्म हो गई होती और जेलें खाली हो गई होती। दोस्तों, लोग सफल उदाहरण से सीखते हैं। अच्छा होता कि CBSE जैसी संस्थाएं खुद कोई संस्था चला के दिखाती और सबको सक्सेस करती। यकीन मानिए, हर स्कूल, हर माता पिता, हर व्यक्ति उनको फॉलो करता और दुनिया का बेहतरीन बच्चा बनाने में देश, माता पिता और मानवता का साथ देता। धन्यवाद। तीन मुख्य मांगे हैं सर, क्या है और क्यों आए हैं आप? प्रेसिडेंट हैं, अपना परिचय दीजिए और क्यों आए? मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है, मैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसके साथ देश का 1,00,000 से ज़्यादा स्कूल
निशा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी मुख्य मांग ये है कि कोई भी दुर्घटना होती है तो स्कूल का शिक्षक, जिसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, जिसको देश का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है, कि जो सर्वोपरि है, जिसको कबीर जी ने भी सर्वोच्च स्थान पर जो है स्थान दिया था, उनको बिना जांच किए ही जेल में भेज दिया जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस भी ये है, कोई भी व्यक्ति जेल में तब जाना चाहिए जब वो क्रिमिनल हो, उसका क्राइम प्रूव हो। आपने यहीं पर देखा कई धरने लगे, लोगों ने ऐसे ऐसे धरने लगाए कि मेरे साथ उन्होंने बलात्कार कर दिया, मेरे साथ फला उच्च पदों पर बैठे लोगों ने ऐसी हरकतें की, लेकिन उनको बिना जांच के जेल में नहीं डाला गया। और शिक्षक, जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, जिसको सर्वोच्च माना जाता है, उसको बिना जांच के ही जेल में भेज दिया जाता है। और 80% शिक्षक महिलाएं हैं, नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब बेटी पढ़ लिख कर शिक्षक बन जाती है तो गलती कोई करे और उसको जेल में भेज दिया जाता है, और वो भी बिना जांच के। तो हम मांग कर रहे हैं कि शिक्षक को बिना जांच के कहीं भी अरेस्ट नहीं किया जाए। अगर वो गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो फिर उस पर जो कानून की धारा लगती है वो लगाई जाए, लेकिन बिना जांच के उसको जेल में डालना ये सर्वथा गलत और गैर कानूनी और इलॉजिकल भी है, अनएथिकल भी है। तो हम स्कूल सेफ्टी एक्ट की मांग शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है डमी सीट्स को लेकर। बच्चों को स्कूलों द्वारा डमी सीट्स दी जाती है और वो बच्चे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर डबल स्ट्रेस होता है, एजुकेशन का भी और कोचिंग में क्रैक करने का भी, नीट और आईआईटी क्रैक करने का भी, जिससे बहुत सारे बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। अभी पूर्व में 20 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया, तो उनका जिम्मेदार कौन है? ये जो ड्यूअल सिस्टम है एजुकेशन का, डमी सीट्स ये खत्म होनी चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये मोदी जी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये उसके रास्ते में भी एक बहुत बड़ा रोड़ा, उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बच्चे को 12th तक अपने स्कूल में ही पढ़ना होगा, तभी वो जो मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकता है। और CBSE के जो अनर्गल नियम है, CBSE को नियम बनाने की अथॉरिटी नहीं है, नियम बनाने का काम सरकारों का है। CBSE नियम बनाने बंद करे, जो सरकारों के नियम है उनका अनुसरण करे, जिससे जो नजायज जुर्माने जो है वो CBSE से द्वारा वसूले जा रहे हैं। और CBSE एक शिक्षा बोर्ड नहीं, ये अनाज मंडी और सब्जी मंडी की तरह हो गया है कि फला गलती करोगे तो इतना जुर्माना, फला कमी करोगे तो इतना जुर्माना, फला सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो इतना जुर्माना। तो इन पर भी अंकुश लगना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर आज हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ग्रीन निशा नमस्कार। आज हम लोग जंतर मंतर पे बच्चों की सुरक्षा के लिए, टीचर्स की सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा खास आज फोकस है कि कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो सुसाइड हो रही है, अकेले कोटा जैसे शहर में पिछले 8 महीने के अंदर 26 से ज़्यादा सुसाइड हो चुकी है। और सुसाइड को रोकने के लिए जब बात होती है, सरकार की मीटिंग्स होती है, हाई पावर कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसमें जिस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उससे हमें बड़ा अफसोस होता है कि देश की सरकार की शिक्षा व्यवस्था सोच कैसी है। जब सुसाइड हो रही है तो उस सुसाइड को रोकने के लिए सरकार आदेश निकालती है कि सब पंखों को बदल दिया जाए और स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाए, ताकि जब बच्चा पंखे के लटक के सुसाइड करने का प्रयास करे तो पंखा ही नीचे आ जाए और बच्चे की जान ना निकले। ऐसे समय में अब बच्चा पंखे के अलावा बहुत सारे साधन, जिसे आत्महत्या करनी है वो चंबल रिवर फ्रंट में जाके आत्महत्या कर सकता है, रेलवे के आगे जाके आत्महत्या कर सकता है, मार्केट में जहर मिलता है जहर खा के आत्महत्या कर सकता है, कहीं से भी ऊंचाई से छलांग लगा सकता है, किसी पहाड़ी से, किसी बिल्डिंग से। ये कोई तरीका नहीं है किसी बच्चे की सुसाइड को रोकने का। सुसाइड को रोकने का रीज़न क्या है, बच्चा सुसाइड क्यों कर रहा है, उसका सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उस
सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। बच्चे बहुत कीमती है, एक एक माँ बाप के आजकल एक एक दो दो बच्चे होते हैं, बड़े अरमानों से पाल पोस के उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना लेकर के कोटा भेजा जाता है, लेकिन सिस्टम इतना निष्ठुर है, इतना गलत काम करता है, कोचिंग क्लासेस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों की सुसाइड हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके तो फिल्टर होकर के टॉप सेक्शन में टॉप बच्चे चले जाते हैं, वो सिलेक्शंस दे देते हैं, सिर्फ 1% बच्चे का सिलेक्शन होता है, बाकी 99% बच्चे जो वहाँ से फेलियर होके आते हैं, असफल होके आते हैं, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदला जाए, कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट किया जाए, उनके ऊपर किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। जबकि आज होता क्या है कि एक छोटी सी पान की दुकान भी खोलनी है, किसी को एक छोटा सा व्यापार भी करना है, तो उसे कई तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस को एक भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। बिना किसी परमिशन के पूरे देश भर में कोचिंग क्लासेस चल रही है, उनके स्कूलों के पैरलर, वो भी शिक्षण संस्थाएं, लेकिन शिक्षण संस्थानों की तरह उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। बच्चे एक एक क्लास में, स्कूलों में तो कहा जाता है 40 से ज्यादा, सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है कि एक क्लास में 35 या 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि कोचिंग क्लासेस में 400-400 बच्चे होते हैं। स्कूलों में कहा जाता है कि बीएड टीचर्स होने चाहिए, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, कोचिंग क्लासेस में कोई बीएड नहीं होता, कोई भी आके पढ़ा लेता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारा आजकल, बच्चों की आत्महत्या के अलावा स्कूलें बंद हो रही है, क्योंकि स्कूलों की बजाय बच्चा आजकल 6th क्लास से बच्चा कोचिंग में जा रहा है, वहाँ कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th के बाद होती है, 12th के बाद जाए समझ में आता है, लेकिन 6th क्लास से बच्चा कोचिंग में क्यों जा रहा है? सरकार क्यों जाने दे रही है उन बच्चों को? और स्कूलों में डमी अटेंडेंस होती है, स्कूल में बच्चा जाता नहीं, उसका नाम स्कूलों में लिखा जाता है, फर्जी हाजिरियाँ होती है, फर्जी प्रैक्टिकल होते हैं, फर्जी एग्जामिनेशन होती है, ये सिस्टम खुलेआम चल रहा है। सरकार को इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाना चाहिए, पंखों के स्प्रिंग बदलने से कुछ नहीं होगा। चेंज